मेरे सहयोगी एडिटर न्यूज एक्स उदय प्रताप सिंह जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय सिंह राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी। नमस्कार मैं हूं उदय प्रताप सिंह और आप सबका स्वागत है इस खास सेशन अभी पवन खेड़ा जी अ, अ, निराश थे और थोड़ा कह रहे थे कि विपक्ष जो है नाखुश है मीडिया से मगर इंडिया न्यूज से तो नाखुश नहीं हो सकता क्योंकि आप इतफाक देखिए दोनों जो पहले सेशन है आज मंच के दोनों सेशनों में विपक्ष के ही मजबूत नेता हैं पवन खेड़ा जी को आपने सुना और अब हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बहुत ही हुनहार वक्ता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी संजय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार आज इस सेशन का शीर्षक है चक्रव्यू में आप तो मेरा सीधा सवाल आपसे पहले यही होगा क्या आप कि आप मानते हैं इस वक्त पार्टी एक में फंसी है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वो भी इस वक्त जेल में हैं आप खुद जेल में थे जेल से आप रिहा होके आए हैं तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कठिन दौर इस वक्त चल रहा है और क्या आप मानते हैं कि आप चक्रव्यूह में फंस चुका है क्या आप अभिमन्यु बनेंगे या आप फंस जाएंगे देखिए ऐसा है कि चक्रव्यूह में क्यों फंसाया गया हमको सबसे बड़ा सवाल तो यह है इसलिए कि देश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुई तीन बार उनको दिल्ली के लोगों ने चुना और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा के लिए बिजली के लिए पानी के लिए हेल्थ के लिए काम किया माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की योजना हो या बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की योजना हो बहुत सारे काम किए और इतना काम किया कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल और हेल्थ मॉडल की चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक का हमारा मॉडल जहाँ पे 200 तरह की जांच फ्री होती है अल्ट्रासाउंड होता है फ्री में दवाएं मिलती है मुफ्त में हमारे एजुकेशन का मॉडल जहां पे बच्चों की पढ़ाई के लिए जिन स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे आज वहां एयर कंडीशन कमरे बने हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए एथलीट के ग्राउंड बने हैं हॉकी के ग्राउंड बने हैं स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी ट्रंप हिंदुस्तान आती हैं तो कहती हैं हमें केजरीवाल और सिसोदिया के द्वारा बनाया गया स्कूल देखना है ये कारण है कि दिल्ली में एक हम नई राजनीति दे रहे हैं इसलिए हमें चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है हमारे मुख्यमंत्री को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया शिक्षा मंत्री दो साल से जेल में है स्वास्थ्य मंत्री दो साल से जेल में है मुझे छह महीने उठा के आपने जेल में रखा इस देश के अंदर छह लाख लोग जेलों में है छिहत्तर प्रतिशत अंडर ट्रायल है छिहत्तर प्रतिशत आपका मकसद ट्रायल पूरा कराना नहीं आपका मकसद सच को सामने लाना नहीं आपका मकसद है जेल में डाल के रखना आप बताइए ना कितना एक भी रुपया ना केजरीवाल जी के घर से मिला न सिसोदिया जी के घर से मिला न मेरे घर से मिला न सत्येन जैन के घर से मिला कोई बैंक अकाउंट इलीगल नहीं कहीं कोई चीज कोई जमीन का प्लॉट नहीं हमारे नाम बावजूद इसके आपने हमको पकड़ के जेल में रखा तो फिर इस मामले में, आ, तो ये में फंसाया इसलिए गया है क्योंकि हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया है जो पूरी देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है उसको रोकने के लिए बिल्कुल इस इस मामले पर मैं आऊंगा क्योंकि ये इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी घिर गई है इतने तमाम आपके जैसे नेता आप कह रहे हैं फंसाए गए हैं इस मामले में आम आदमी पार्टी आखिर फंसी क्यों आपके नेता आखिर फंसी क्यों मसला क्या है दर्शकों को आज अवगत कराए बिल्कुल साफ बता रहा हूँ आपको ये, दद, ये पूरा मसला राजनीतिक है और इसके अलावा कुछ नहीं है एक है जो बिल्कुल खुली आंखों से सबको दिख रहा है एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ शरद चंद जिसको खुद ईडी e ने हमने नहीं ईडी e ने कहा यह किंग पिन है बीजेपी ने कहा यह किंग पिन है बीजेपी के नेताओं ने कहा यह किंग पिन है और वो अपनी अरेस्ट के बाद साठ करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहा है बीजेपी को साठ करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पहुंचा रहा है और उसके बाद उसकी रिहाई हो जा रही है क्या कार्रवाई हुई शरद चंद्र रेड्डी धड़ाम से गिरेगा जब इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा पूरा देश इस बात को देखेगा चार गवाह आपने बना रखे हैं पचास हजार पेज की चार्जशीट आपने दाखिल कर रखी है इस मामले में अब अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार गवाह उन चार गवाहों की हकीकत पहले दो गवाहों से आठ बयान लिए गए छह में उन्होंने कहा हम केजरीवाल जी के बारे में उनसे कोई लेन देन के बारे में हमें कुछ नहीं कहना हमें कोई जानकारी नहीं हमें हमें कोई उनके साथ कोई एक्साइज पॉलिसी जैसी कोई हमारी बात नहीं और अंतिम दो बयान में उसके बेटे को गिरफ्तार करके सारा आरोप केजरीवाल पे इसी तरीके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसके बारह स्टेटमेंट दस स्टेटमेंट में वो केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता अंतिम के दो स्टेटमेंट में जब उसकी अरेस्ट हो जाती है तो केजरीवाल जी के नाम लेता है उसके बाद उसकी रिहाई हो जाती है और खुद ईडी ने कोर्ट के अंदर माना कि हाँ हम लॉलीपॉप देते हैं आप लॉलीपॉप देके अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को जेल में डाल रहे हैं तो ये एक दानवी शक्ति दे दी गई है पीएमएलए के माध्यम से ईडी को जो कि कुछ भी किसी को भी पकड़ पकड़ के जेल में डाल सकते हैं आप देखिए ना हेमंत सोरेन जी का क्या हुआ पांच महीने उनको आपने जेल में रखा बाद में कह दिया कोई सबूत नहीं मुझे छह महीने उठा के जेल में रखा फिर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने मुझे जमानत दी मुझे अपने केस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है जिस दिन बोलने की इजाजत होगी सारी सच्चाई रखूंगा आप लोगों के सामने मगर बड़ा सवाल ये उठता है जैसे आप कह रहे हैं अगर और अगर आपकी बात मान ली जाए कि केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है एजेंसी केंद्र सरकार के दबाव के भीतर आके काम कर रहे हैं मगर फिर कोर्ट का क्या क्या, क्या? कोर्ट भी है? क्योंकि है बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मुझे आप के सामने जब आप सारे तथ्य नहीं रखेंगे कोर्ट को कैसे पता चलेगा ये बातें जो मैं आपको बता पा रहा हूं कि 12 स्टेटमेंट में 10 स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला केजरीवाल के खिलाफ अंतिम दो में बोला ये कब बोला मार्च के महीने में जब 207 की कार्रवाई शुरू हुई और हमारे वकीलों को यानी कि केजरीवाल जी के सिसोदिया जी के बाकी आरोपियों के वकीलों को जब इजाजत दी गई कोर्ट के द्वारा कि आप जाइए और इंस्पेक्शन कर सकते हैं कागज जो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए हैं उसमें यह सच्चाई सामने आई और आपको बड़ी मजाकिया बात मैं बता दूं ईडी वालों ने जो इंटरोगेशन किया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग उनको रखनी होती है ध्यान से सुनिएगा कृपा करके उनको वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग रखनी होती है जब हमारे वकील वहां पे पहुंचे तो उसमें से ऑडियो गायब थी ऑडियो गैप थी हमने पूछा भाई ऑडियो क्यों गायब है तो कहने लगे साहब वहां का सीसीटीवी कैमरा खराब था आप वो कोई पिकनिक स्पॉट है ईडी का दफ्तर वहां हम घूमने के लिए जाते हैं आपने वहां पे इंटरोगेशन किया हमारी जांच की उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है जिन लोगों ने हमारे खिलाफ आरोप लगाए जिनके आरोप के आधार पर आपने हमें गिरफ्तार किया उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब किसी की अरेस्ट की जाए उसकी अरेस्ट होने से लेके और जेल भेजने तक की एक एक वीडियो और ऑडियो फुटेज उनके पास होनी चाहिए आप बताइए क्यों नहीं रखा तो मनमाने ढंग से बयान लिए गए मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां की गई हैं और ये सारा सच में बताते रह मार्च के बाद ये सारे कागजात आना शुरू हुए अब कोर्ट के सामने सारी तथ्य और इसीलिए तो आप देखिए कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ उदय प्रताप जी अरविंद केजरीवाल जी को ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी और उसमें लिखा कि ईडी बायस तरीके से काम कर रही है और उसके बाद क्या होता है बिना ऑर्डर के कॉपी के पहली बार देश के न्यायपालिका के इतिहास में हुआ हाई कोर्ट पहुंच जाती है ईडी और रिहाई पर रोक लगा देती है क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है चलिए लोग घास खाते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा क्या सब रोटी खाते हैं चलिए सबको समझ में आता है देश की जनता देख रही है और समझ रही है और सोच रही है ये आप कह रहे हैं मगर इससे पहले कि मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पे आऊं जहां आप खुद आज जाने वाले हैं संजय सिंह जी का आज कार्यक्रम लगा हुआ है वहां दिन के दूसरे हाफ में तो हम शुक्रगुजार हैं कि आप आए यहाँ पहले हाफ में मगर मैं जैसे हमने दर्शकों को बताया था कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर आज चर्चा होगी इस मंच के हवाले तो बड़ा मुद्दा इस वक्त दिल्ली का यही है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में वो हादसा क्यों हुआ कैसे हुआ तीन लोगों की जान जा चुकी है दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक्शन अब लिया जा रहा है आपके मेयर द्वारा ये पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया क्या आप मानते हैं कि गलती हुई है देखिए पहली बात तो ये कि ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिन तीन बच्चों की जान गई है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रभु दे उनकी आत्मा को शांति दे लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कोई आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई तब से नहीं चला रहे ये 20-20 साल से उसी बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं वहां पर क्लासेस चला रहे हैं वहां पर लाइब्रेरी चला रहे हैं इलीगल तरीके से चला रहे हैं सवाल उन सबसे भी बनता है जो समय-समय पर इनके साथ मिलकर ये काम करते रहे दूसरी बात एक साल से हम एम में हैं, हमारी भी जवाबदेही है हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं कल से आपने देखा होगा लगातार कोचिंग सेंटर सील किए जा रहे हैं जहां बेसमेंट में क्लासेस और लाइब्रेरी चल रही है एक और विषम परिस्थिति दिल्ली के मामले में ये है कि दिल्ली के अंदर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उठाकर दे दिया एलजी साहब को कह दिया दिल्ली के बॉस वो हैं एलजी साहब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे कल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी आतिशी जी इमरान हुसैन जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी बैठे हुए हैं वो बारिश शुरू होने से पहले और मैं चाहता हूं वो वीडियो जरूर अपने चैनल पे आप दिखाइए बारिश शुरू होने से पहले ये अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि भाई आप डिसल्टिंग क्यों नहीं करा रहे हैं आपने लेबर क्यों हटा दी आप सुपर सकर मशीन क्यों नहीं लगाते आप नालों को सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप क्यों दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं चले चलिए छह बजे चले चलिए नहीं चल सकते सात बजे चले चलिए नहीं चल सकते सुबह चले चलिए कोई भी समय बता दीजिए अधिकारी महोदय हमारे साथ चले चलिए आप अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं और एलजी साहब ने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ तो ये बीजेपी एलजी और अधिकारियों की मिली भगत से दिल्ली की लोगों के जीवन को नरक बनाने की एक गहरी साजिश है जिसका पर्दाफाश हम गली गली में जाके करेंगे इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे आप दिल्ली के लोगों के नाले और नाली इसलिए नहीं साफ कर रहे क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये ये पूरा सच है जो कल सौरभ भारद्वाज जी के और बाकी मंत्रियों के वीडियो के सामने आने के बाद पता चला है और इस पे हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे आज प्रदर्शन भी हमारे विधायक इस, और पार्षद एलजी क्या कर रहे हैं जी अब मैं हरियाणा पे आता हूँ क्योंकि हरियाणा का चुनाव जो है वो निकट आ रहा है हरियाणा में क्या इस वक्त आम आदमी पार्टी की स्थिति है और बड़ा सवाल एक और है लोगों के मन में कि कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है वो कह रही है कि देखो साहब हमने तो कमाल कर दिया लोकसभा में इतने सांसद हमारे आ गए तो सरकार कांग्रेस पार्टी के उस राज्य में बनने वाली है तो क्या आम आदमी पार्टी की भूमिका है कांग्रेस पार्टी को कष्ट देना क्योंकि विपक्ष का वोट बट रहा है या फिर बीजेपी को सत्ता से निकालना जो आपका आज बदलाव देखिए सभा का मकसद है बदलाव किसका होगा जो सत्ता में है उसी का बदलाव तो भारतीय जनता पार्टी दस साल से सत्ता में है उसने हरियाणा को बर्बाद करने का भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का पेपर लीक कराने का वहां पे काम किया है किसानों पे लाठियां चलवाने का गोली चलवाने का काम किया है एमएसपी मिलती नहीं अग्निवीर योजना से हरियाणा का नौजवान त्रस्त है पीड़ित है वो बड़े फक्र से सेना में जाता था और जरूरत पड़ने पे अपने प्राणों की आहूति देकर देश की रक्षा करता था हरियाणा के हर गांव के बाहर आपको किसी ना किसी शहीद का गेट मिल जाएगा जो बताता है कि वहां के युवाओं ने देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ ने उछावर किया आपने अग्निवीर योजना ला दी आप कह रहे हैं साहब हम युवा बना रहे हैं सेना को तो अगर युवा बना रहे हैं आप सेना को तो सबसे पहले प्रधानमंत्री युवा बनाइए तिहत्तर साल में देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और चार साल में आप किसान के बेटे नौजवान को आप रिटायर कर दे रहे हैं सेना से आप कह रहे हैं युवा बना रहे हैं आप सेना को जो सेना पाकिस्तान के दो टुकड़े करती है वो सेना युवा नहीं थी क्या जो पाकिस्तान को बार बार हराती है जो गलवान घाटी में लड़ती है जो सेना कश्मीर की सीमा पर जाके लड़ती है वो सेना युवा नहीं है क्या जिसने कारगिल का युद्ध जीता वो सेना युवा नहीं थी क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ ये तो भारतीय सेना का अपमान है हमारी सेना हमेशा से बहादुर युवा पराक्रमी रही आप उसको कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं चार साल में नौकरी से रिटायर करके छह महीने की ट्रेनिंग अब आप दे रहे हैं तो सेना को आप कमजोर कर रहे हैं मजबूत आप नहीं कर रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूं तो हरियाणा में अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है किसानी बड़ा मुद्दा है ये सारी चीजें हम लोग लेके जा रहे हैं और केजरीवाल जी की पांच गारंटियां जिसमें रोजगार देने का वादा बिजली फ्री देने का वादा शिक्षा फ्री देने का वादा इलाज फ्री देने का वादा ये सारी बातें हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और वहां सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे संजय जी आप राजनीति में बहुत सक्रिय हैं तो पता नहीं अगर फिल्मों और टीवी शोज देखने का आपको मौका मिलता है या नहीं मगर एक बहुत ही मशहूर टीवी शो था ये रिश्ता क्या कहलाता है और यही सवाल आपसे है ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस और आपका रिश्ता क्या है कांग्रेस और आप अभी दिल्ली में साथ लड़े और हरियाणा में साथ लड़े मगर पंजाब में आप अलग लड़े अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अलग लड़ रहे हैं राजेंद्र नगर के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस आप ही को घेर रही है तो ये क्या है? ये क्या क्या रिश्ता रिश्ता है कहलाता मैं आपको बताता सौ चौवालीस करोड़ लोगों का ये देश है बहुत विशाल और बड़ा देश है यहाँ पर गठबंधन की सरकारें भी चली हैं और अलग अलग गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े हैं एनडीए में रहते हुए जेडीयू बीजेपी के खिलाफ लड़ा है एनडीए में रहते हुए शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लड़ी है और आज इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी सी कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है पंजाब में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ और सीपीएम सीपीआई के खिलाफ लड़ती है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश को नफरत की आग में झोंकने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ हम सब लामबंद होकर इकट्ठा होकर आपसे लड़ेंगे ये नेम प्लेट वाली पॉलिटिक्स इस देश के अंदर हम चलने नहीं देंगे आप नेम प्लेटें लगवा रहे हो आप ठेले वालों का नेम प्लेटें लगवा रहे हो जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए बैंकों के लूटे उनके नेम प्लेट क्यों नहीं लगवाते आप भाई आप कहिए नीरव मोदी गले में नेम प्लेट लगा के घूमे बीस हजार करोड़ हिंदुस्तान की बैंकों का लूटा है उसने ललित मोदी विजय माल्या नितिन संदेशरा कितने नाम है और आपके दोस्त अडानी जी जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान सब कुछ अपने हाथ में चाहते हैं तो आप एक गरीब आदमी को कह रहे हैं नेम प्लेट लगाओ अपनी जाति बताओ अपना धर्म बताओ जिससे तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा सके, जा सके सके जिससे तुमको पीटा हिंदू हो कि मुसलमान हो बताओ सिख हो कि ईसाई हो बताओ दलित हो कि पिछड़ा हो बताओ आदिवासी हो कि बताओ ये कौन सी पॉलिटिक्स है आप आप विकसित भारत ऐसे बनाएंगे चलिए ये आ... सबका साथ सबका विकास है कि सबका विनाश है ये चलिए मैं मानता हूँ आपकी बात और कोर्ट ने भी इस इसपे टिप्पणी दे दी अब हमें समय की कमी है तो आखिर में आपसे बस यही कहेंगे कि संजय सिंह को सबसे बड़ी सीख जेल में क्या मिली क्योंकि आप जेल से होते हुए आए हैं जेल में इंसान जो है वो सोचने को मजबूर हो जाता है काफी बदल जाता है स्वतंत्र सेनानी भी जेल गए थे नेता भी जेल गए थे क्रिमिनल्स भी जेल जाते हैं जेल में संजय सिंह क्या बदल है, क्या क्या सीखे देखिये उदय दे प्रताप जी इन्होंने तो मुझे भेजा था कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन एक प्रकार से इन्होंने मेरा भला किया भला क्या किया इतना समय नहीं मिलता इतना समय नहीं मिलता किताबें नहीं पढ़ पाता मैंने जेल में जाने के बाद सबसे पहले डेंसल मंडेला जी को पढ़ा